अब हम आपको प्रेम की आधारशिला बताने जा रहे हैं। ये प्रेम क्या है? एक है प्रेम, एक काम, एक व्यापार। ये तीन चीजों के भेद को समझिए। प्रेम, उसका ठीक उल्टा काम, और बीच वाला व्यापार। प्रेम क्या है, काम क्या है? जहां देने देने की भावना हो वो प्रेम है, अपने सुख की नहीं। जहां लेने लेने की भावना हो ये काम है, जहां लेने देने की भावना हो ये व्यापार है। हम लोगों ने अनादिकाल से दूसरा और तीसरा सीखा, पहला नहीं सीखा। अब हम जब ईश्वरीय क्षेत्र में आते हैं हमें इसी को सीखना होगा कि प्रेम कैसे करें भगवान से। हमने संसार में कभी प्रेम किया ही नहीं। लोग एक दूसरे को भले बोले आई लव यू चलता है ना संसार में। आजकल तो वैलेंटाइंस डे वो अमेरिका से एक इंपोर्ट होके इंडिया में आ गए, तो अब यहां भी सब एक दूसरे को बोल रहे हैं आई लव यू। प्रेम है क्या? प्रेम वो चीज है जहां अपने प्रेमास्पद के सुख की भावना हो, जहां देना ही देना। वो तो हमने कभी संसार में सीखा ही नहीं। हमने या तो लेना लेना सीखा या लेना देना सीखा, अर्थात दो पैसे देना तो चार पैसे लेना। ये हमारा संसार का फॉर्मूला है ना। वो रमेश और दिनेश, रमेश ने कहा दिनेश चलो जरा मार्केट घूमने चलते हैं। दिनेश ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। चिंता मत करो मेरे पास। पहुंचे वहां पर, चलो दिनेश पान खाते हैं। अरे भाई पैसा नहीं है, बोला। अरे मेरा पैसा है ना, क्यों पूछते हो? अब उसको पान खिला रहा। फिर आधे घंटे बाद दिनेश चाय पिए, भी पैसा नहीं है। फिर वही बात, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा एक ही है। अब देखिए ये रमेश जो है ना, ये देने देने की बात कर रहा। पहले उसने दिनेश को कहा मार्केट घूमो, फिर दिनेश को कहा पान खाओ, फिर उसको कहा चाय पियो। ये तो दिनेश के प्रति देना देना कर रहा। और मुकुंदानंद ने कहा प्रवचन में कि संसार में कोई देने देने वाला नहीं होता है। तो ऐसा कैसे हो गया? नहीं, ये जो देना देना कर रहा है ना, ये लेने लेने का बैकग्राउंड बना रहा है। अर्थात वो बीमा का एजेंट है, दिनेश का बीमा करा के 500 रुपए कमीशन में वसूल करना चाहता है, इसलिए 50 रुपए दे के उसको प्रसन्न कर रहा। ये संसार का फॉर्मूला होता। अरे साहब हमारे दोस्त की बेटी की शादी है, तो कितना उपहार दे? 10,000 की गिफ्ट दे दो। 10,000 दानीकरण बनते हो? नहीं नहीं, हमारी तीन बेटियां हैं ना, तीनों की शादी होगी, मैचिंग, उसको 10,000 देना पड़ेगा। देखिए ये फैक्ट, ऐसा ही ये संसार है, स्वार्थ का संसार है। ये किसी के वश की बात नहीं है। हम सब लोग आनंद चाहते हैं। जब तक भगवान वाला आनंद नहीं मिला, हम आनंद के लिए प्रयत्न करेंगे और किसी से संबंध जोड़ेंगे अपने आनंद के लिए जोड़ेंगे। अब यही फॉर्मूला लेके हम भगवान के पास चलते। हम भगवान का नाम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पहले सोच लेते हैं हमको क्या मिलेगा। घाटा हो जाएगा तब तो प्रश्न नहीं उठता। एक व्यक्ति गोपालपुर गया।
अब वो 5 किलोमीटर और दक्षिण की ओर समुद्र तट पे चलता गया तो प्यास लगी। सुबह के 12 बजे थे, उसके पास पानी तो था नहीं, पानी इतना सारा लेकिन वो प्यासा। तो उसको एक नारियल का पेड़ दिखा, उसने कहा भगवान बड़ा दयालु है, भगवान ने नारियल की व्यवस्था की हुई। वो चढ़ गया, अब नारियल का पेड़ 80 फुट ऊंचा, वहां से उसने काट के 4 नारियल नीचे कर दी। तो ऊपर से नीचे देखा, अरे मैं नीचे कैसे जाऊं। वो चढ़ गया था ना, चढ़ना आसान होता है, उसमें स्लिप करने का खतरा कम रहता है, और नीचे जाते समय खतरा बढ़ जाता। तो अब मैं नीचे जाऊं कैसे। तो उसको याद आया, हे सीताराम, मैं हर रामनवमी पे आपके मंदिर आता हूं, ईयरली भक्ति करता हूं, तो आप प्लीज आज मुझे सही सलामत उतार दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। अब वहां से वो उतरने लगा, सीताराम 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 सीताराम। आधा रास्ता पहुंचा तो उसने देखा, सीताराम मैं 100 ब्राह्मण नहीं 50 ब्राह्मणों को जरूर भोजन करा दूं। आधा रास्ता पार हो गया था ना। फिर सीताराम 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 सीताराम, वो 25 ब्राह्मणों को भोजन करा दूं। करते करते वो 10 पे आया, 5 पे आया, 2 पे आया, 1 पे आया, तो उसका पैर जमीन पर पड़ा। उसने कहा सीताराम मैंने क्या बोला था, मैं 1 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा ना, महंगाई का समय है, मैं ब्राह्मण हूं स्वयं खा लूंगा, आप खुश हो जाना। तो ये हम लोग भगवान के साथ व्यापार करते हैं, ये प्रेम है ही नहीं। यदि हमें भगवान से प्रेम करना है तो प्रेम के फॉर्मूला को याद रखना। कृपालु जी महाराज ने फॉर्मूला बताया, प्रेम में है सदा देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना, लेने वाला बड़ा भोला भाला, ब्रज के रसिकों में शामिल नहीं है। प्रेम तो वो चीज है जहां बस देना देना। अब बेचारा जीव भगवान को क्या देगा, भगवान सर्वसमर्थ है और जीव तो अशक्त असमर्थ बेचारा मायाधीन। अरे एक माँ बच्चे की सेवा करती, कोई नवजात शिशु माँ की सेवा कैसे कर सकता। तो जीव भला क्या सेवा करेगा भगवान की। किंतु ये प्रेम की अभिव्यक्ति सेवा में ही होती। जैसे एक बच्चे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे 10 रुपए दीजिए। पिताजी ने कहा क्यों चाहिए, दे दो। क्यों चाहिए, दे दो। अच्छा अच्छा चलो ये लो 10 रुपए। अब वो 10 रुपए को लेके मार्केट गया और एक चॉकलेट लेके आ गया। पिताजी आपका जन्मदिन है ना, तो मेरी तरफ से जन्मदिन की बधाई, हैप्पी बर्थडे। बाप विभोर हो गया, अरे मेरा पप्पू मुझसे कितना प्रेम करता। अब पप्पू ने क्या किया, पिताजी से ही 10 रुपए लिए और चॉकलेट लेके पिताजी को वापस कर दी। क्या पिताजी स्वयं मार्केट से नहीं खरीद सकते थे। आजकल तो आप मोबाइल से भी खरीद सकते हैं ना, मार्केट जाने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन पिता का ही पिता को वापस लौटाने में पप्पू ने अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। ऐसे ही हमारा जो कुछ है सब भगवान का ही है, लेकिन हम जब उसका उपयोग करते हैं भगवान की खुशी में,
भगवान को खुशी कैसे होगी, उनकी सेवा करें, ये देना देना। तो फिर भगवान कहते हैं कि भाई ये जो मेरा भक्त है ये मुझसे कुछ चाहता ही नहीं है, वो तो देना देना करता है। अब भगवान तो निष्काम प्रेमी है ही, भगवान भी देना देना करेंगे। ये भगवान और जीव के बीच में निष्काम प्रेम का संबंध जुड़ जाता। जीव कहता है महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो है मैं आपको दूंगा। भगवान कहते हैं जीव मुझे क्या चाहिए, मेरे पास जो है मैं तुमको दूंगा। अब ये भगवान और जीव के बीच में निष्काम प्रेम का संबंध जुड़ा। लाभ किसको होगा? जीव को होगा। एक भिखारी ने सेठ जी को बुद्धू बना दिया, सेठ जी हमारा आपका सट्टा हो जाए, जो मेरे पास है मैं आपको दूंगा, आपके पास जो है आप मुझे दे दो। अब यदि वो सेठ उसकी बातों में आ जाए, भिखारी के पास कुछ है ही नहीं, उसने तो झोली झड़क दी। सेठ जी ने कहा ये क्या, मैंने कहा था जो है दे रहा हूं, और सेठ जी को सब देना पड़ रहा। तो भगवान तैयार हैं। भगवान कहते हैं ए जीव तू अनादि काल का भिखारी है, आजा मेरी शरण में, देना देना कर, और मेरे पास जो है मैं देना देना करूंगा। तो इसमें लाभ किसका होगा? लाभ तो जीव का ही होगा, यदि वो जीव इस बात पर विश्वास कर ले। तो ये निष्काम प्रेम, और भगवान क्या करेंगे उन निष्काम प्रेम में? वो कहेंगे जीव तो कुछ चाहता ही नहीं है, चलो मैं इसका दास बन जाता हूं। तो हम जो सुनते हैं कि भगवान भक्त के दास बन गए, ये कैसे दास बन गए? क्योंकि भक्त ने निष्काम प्रेम किया, बिन मांगे मोती मिल गए, मांगे मिले न भीख, ऐसा निष्काम प्रेम। जब हम इस प्रकार का प्रेम करना सीखेंगे तो हम सदा फायदे में ही रहेंगे। यानी ये प्रेम कभी घटेगा ही नहीं, क्योंकि जैसा भगवान करना चाहे हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। तुलसीदास जी ने कहा ऐसा प्रेम तुम एक चातक पक्षी से सीखो। ये जो चातक पक्षी होता है ना, ये स्वाति नक्षत्र के बादल से प्रेम करता, यानी वो 12 मास कोई अन्य जल नहीं पिएगा, केवल स्वाति नक्षत्र का जल लेगा। जाचे 12 मास पिए पपीहा स्वाति जल, जान्यो तुलसीदास अगम स्नेही देह मन। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई प्रेम तो चातक से सीखो। हम लोग तो अवसरवादी होते हैं, संकट आया हे भगवान हमारी सुन लो, संकट चला गया, स्वामी जी टाइम नहीं मिलता वरना जरूर आपके प्रवचन में आते, ये अवसर की बात। और चातक 12 मास सूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, कोई अन्य जल नहीं लेगा। और तुलसीदास जी कहते हैं और देखो, पवि पाहन दामिनी गरज झरी झकोरी खरी खीजी, दोषन प्रियतम रोष लखी तुलसी राग ही रीझी। चातक स्वाति नक्षत्र के जल की प्रतीक्षा करता, और स्वाति अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उल्टा डांटता है, चिढ़ाता है, ओले गिरा देता। तो चातक बुरा नहीं मानता, हम तो प्रेम करते हैं, उसने डांट दिया, ये आकाश में बिजली गिर रही है, क्या हो रहा है, वो उसी पर बलिहार के और राग गाता है उसको रिझाने के लिए।
तुलसी राग ही रीझी, यानी हमारे इष्ट देव हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, जो असली भक्त होता है उसका प्रेम कम नहीं होता है। अगर व्यवहार से प्रेम गड़बड़ हो गया तो फिर वो शुद्ध प्रेम था ही नहीं। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनोस प्रेमा परिकीर्तितः। ये परिभाषा दी प्रेम की, जहां ध्वंस होने का कारण हो, हमारे प्रेमास्पद ने उल्टा कर दिया, फिर भी भक्त निष्काम है, जैसी उनकी इच्छा, वो असली प्रेम है। तो आप देखिए, भीष्म से सीखिए। भीष्म पितामह श्री कृष्ण के प्रेमी हैं। भीष्म विचित्र पर्सनालिटी हैं। भीष्म पितामह कौरव सेना के प्रथम सेनापति ऐसे योद्धा थे कि सबको मैदान में परास्त करने। और श्री कृष्ण जानते थे कि पांडव भीष्म के सामने उनकी दाल नहीं गलेगी। तो भीष्म ये भी जानते थे कि विजय तो पांडवों की ही होगी, जहां श्री कृष्ण है वो पक्ष हार ही नहीं सकता। तो आप कहें कि भीष्म फिर कौरवों के पक्ष से लड़ाई क्यों किए? वो ऐसे निष्काम है, वो श्री कृष्ण की महिमा को उजागर करना चाहते हैं कि देखो भीष्म भी उस तरफ रहे फिर भी वो पक्ष नहीं जीत पाया बिना श्री कृष्ण कृपा के। तो भीष्म एक रसिक संत थे योद्धा होते हुए भी, और श्री कृष्ण की ब्रज लीला का वो ध्यान किया करते थे। शाम को श्री कृष्ण जब गायों को चरा कर आते थे तो गायों के खुरों से धूल उड़ती थी और वो श्री कृष्ण पर पड़ती थी। तो श्री कृष्ण का सांवला शरीर गोरज से सफेद सा हो जाता था। भीष्म उसी झांकी का ध्यान करते थे। और यहां रण क्षेत्र में वो रथ के पहियों से जो धूल उड़ती थी उससे भी श्री कृष्ण का शरीर ढक जाता था, तो भीष्म उसी का ध्यान करते रहते थे। किंतु जब दुर्योधन ने टॉन्ट किया कि भीष्म आप तो लिहाज करते हैं ये पांडवों के साथ, आप चाहते तो मार सकते थे, तो श्री भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि अब या तो श्री कृष्ण अपने वचन को तोड़ के शस्त्र उठाएंगे या अर्जुन नहीं बचेगा। तो अर्जुन के रथ का पहिया टूटा और अर्जुन नीचे पहुंचा, श्री कृष्ण के सामने कोई विकल्प नहीं बचा। श्री कृष्ण अब रथ का पहिया उठाए, ये अपने वचन को तोड़ रहे हैं ना, ने बोला था शस्त्र नहीं उठाऊंगा फिर भी उठा रहे, यानी भक्त के वचन की रक्षा कर रहे हैं, भक्त वत्सल। किंतु गुस्से में आगे चले, योग माया से लीला होती है, भगवान भी गुस्से की एक्टिंग करते हैं योग माया से। तो भगवान अपने दांत पीसते हुए आंखें लाल करके छाती ताने सामने आए कि मारेंगे इसको, भीष्म खड़े होके और मुस्कुरा के दर्शन कर रहे हैं, वाह 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 क्या सुंदर झांकी। श्री कृष्ण वहीं पे रुक गए, हम चले इनको मारने के लिए और ये मुस्कुरा रहे हैं, आइए आइए वाह वाह आपका स्वागत। तो जब श्री कृष्ण रुक गए, भीष्म ने कहा महाराज क्या बात है, आप रुक क्यों गए, आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि शस्त्र नहीं उठाएंगे। किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी, आजू जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, आजू जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, तो लाज हूं गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं, आजू जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, अगर मैंने आज इनसे शस्त्र नहीं उठाए
तो फिर मैं गंगा और शांतनु का पुत्र नहीं। तो ये जो प्रतिज्ञा कर ली भीष्म ने, श्री कृष्ण खड़े हो गए। श्री कृष्ण के क्रोध की झांकी को भीष्म ने अपने आंखों में भर लिया और 6 मास तक शरशैया पर लेटे हैं, उसी झांकी का ध्यान करते रहे। वा पट पीत की फहरान, अर्थात हमारे इष्ट देव का कैसा भी व्यवहार चेष्टा हो, भक्त उसमें रस का अनुभव करता है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ये भक्ति है, ये निष्काम भक्ति है। तो निष्काम भक्त का प्रेम कभी टूटेगा नहीं। जिसका टूट गया वो सकाम था, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, टूट गया। तो ऐसे प्रेम का वर्णन कृपालु जी महाराज करते हैं। तुम मेरे थे मेरे हो, मेरे रहोगे, बहकुन अब बहकाने से। वो कहते हैं, हे श्याम सुंदर, आप मेरे थे मेरे हो मेरे रहोगे, आप चाहे बहकाओगे भी तो हम बहकेंगे नहीं। जब समझ प्रेम में डूब गई तब क्या होगा समझाने से। हे श्याम सुंदर, आप 3 प्रकार के व्यवहार कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। या तो कृपा करके अपना लो, या क्रोध करके ठुकरा दो, या चक्र चला के हत्या कर दो, या न्यूट्रल हो जाओ। तुम कौन हो, मैं तो तुमको जानता ही नहीं, लेकिन श्याम सुंदर मेरा इन व्यवहारों से प्रेम कम नहीं होगा। चाहे मम आलिंगन कर लो, चाहे मम प्राणन ही हर लो, चाहे जी भर कर तड़पा लो, मोहि काम श्याम गुन गाने से। जब समझ प्रेम में डूब गई तब क्या होगा समझाने से। ये निष्काम प्रेम का पाठ यदि हम सीख गए, हम स्पीड से आगे बढ़ते जाएंगे। हमको सोचना नहीं पड़ेगा, 20 साल हो गए भक्ति करते करते प्रोग्रेस नहीं होता, क्योंकि आप 2 कदम आगे जाते हो, 1 कदम पीछे जाते हो, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। तो निष्काम प्रेम करो और आगे ही आगे बढ़ो। ये हम लोगों ने आज समझा, निष्काम प्रेम की आधारशिला। ये साधन भक्ति की प्रथम शर्त, निष्काम प्रेम। भगवान से संसार मत मांगो,